हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी रक्षाबंधन स्पेशल मेकअप लुक, जो कि बेस्ट है, परफेक्ट है न्यूली मैरिड गर्ल्स के लिए। तो अगर आपको ये लुक पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कोरियन जिनसिंग शीट मास्क, जो कि गुड टाइप्स का है। एंड इसे अप्लाई कर लेंगे अच्छी तरह से, एंड 10 मिनट्स के बाद इसे हम पील ऑफ कर देंगे। इसकी जो सीरम है उसे मैं अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करा लूँगी अच्छी तरीके से। इसके बाद में मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने बायोटिक का टोनर यूज़ किया है। ये पोर मिनिमाइजिंग टोनर है, आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। एंड देन इसके बाद में मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि मैंने ब्लू हेवन का लिया है। एंड जब तक मेरा बेस सेट हो रहा है तो मैं अपनी आईब्रोज़ को भी फिल कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्रोमेट। तो इसे अच्छी तरीके से अप्लाई करके एंड देन इसके बाद में इस पुली की हेल्प से ब्लेंड करेंगे, तो ये काफ़ी नेचुरल सा लुक देता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइस। तो इसे अच्छी तरह से फिल कर लूँगी एंड देन मैं इस पुली की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी, जो कि इसके साथ में ही दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना नेचुरली इसने मेरी आईब्रोज़ को फिल कर दिया है। देन मैं बीबी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, जो कि मालियो की बीबी क्रीम है। तो इसका मैंने सेपरेट रिव्यू भी दिया हुआ है, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एंड देन मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ डैम ब्यूटी ब्लेंडर। तो ये बहुत अच्छी क्रीम है, आपको बहुत ही नेचुरली फेयर लुक देती है, ग्लोई लुक देती है गाइस, बहुत ही बढ़िया बीबी क्रीम है। अगर ऑनलाइन आपको मिले तो आप ज़रूर बाय कीजिएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर मुझे मिल जाएगा तो, बिकॉज़ ये मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था। एंड इसे मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद में कॉम्पैक्ट अप्लाई करूँगी। तो कॉम्पैक्ट मैंने यूज़ किया है एसक्यू का, एंड इसे मैं अच्छी तरीके से अपने सारे ही टी जोन एरिया में, लाइक टी जोन एरियाज़ में एंड जो भी जहाँ पे भी स्वेटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर अप्लाई कर लूँगी। एंड देन हम आई मेकअप की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं एक मूविश काइंड ऑफ कलर ले रही हूँ फॉर माई ट्रांजिशन शेड, एंड इसे अच्छी तरीके से अपनी पूरी आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी एंड अच्छी तरह से ब्लेंड भी कर लूँगी। एंड मैं रेड कलर लूँगी विद द सेम पैलेट एंड इसे मैं अपने पूरी आईलिड पर अप्लाई करूँगी एंड बहुत हल्के हाथों से मैं ब्लेंड भी करती जाऊँगी इसे, ताकि मुझे डिज़ायर कलर मिल सके। एंड रेड कलर अप्लाई कर ले रही हूँ अपनी लोअर वाटर लाइन में। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही सुंदर सा लुक मिलेगा आपको। एंड देखिए, इस तरीके से ब्लेंड करते हुए मुझे मेरा डिज़ायर कलर मिला। एंड देन मैं ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ अपने आउटर वी पे, एंड मैं इसे पेंसिल ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, ताकि कुछ इधर उधर ज़्यादा ही ना वो स्मच ना हो, ज़्यादा फैले ना। तो इस तरीके से मैं अपने दोनों ही आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी एंड एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। अपने इनर कॉर्नर्स पे मैं अप्लाई करूँगी ये गोल्डन हाइलाइटर, जो कि मेरे एडीएस पैलेट में से ही है। तो ये बहुत ही सुंदर हाइलाइटर है गाइस, मतलब बहुत प्यारा वर्क करता है, बहुत अच्छा हाइलाइटर है। आप खुद भी देख सकते हैं कितना सुंदर सा लुक दे रहा है। तो मैं इसे अप्लाई कर ले रही हूँ एंड ये बहुत ही सुंदर सा आई मेकअप है। इसे आप अपने कुछ इंगेजमेंट संगीत वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ, मैंने वेट एंड वेल का ग्लिटर लिया हुआ है, फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर ले रही हूँ। एंड आप देख सकते हैं कि आई मेकअप काफ़ी अच्छा खासा हो गया है एंड काफ़ी पार्टी वेयर काइंड ऑफ लुक है, बट न्यू ब्राइड्स के ऊपर ऐसे ब्राइट से लुक अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। और फिर आपकी नई शादी हुई हो तो आप तो सबसे हटके ही दिखना चाहेंगे ना। एंड देन इसके बाद में मैंने लाइनर अप्लाई किया, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है लैक्मे का आईलाइनर, इंस्टा आईलाइनर। एंड मैंने बहुत ही थिन सी लाइन ड्रॉ की है विंग क्रिएट करते हुए हल्का सा। तो अगर आपकी आईज़ हुडेड हैं या फिर छोटी हैं, तो आप जितना थिन लाइनर ड्रॉ करेंगे आपकी आईज़ उतनी बिग दिखेंगी और सुंदर दिखेंगी। और जो भी इधर उधर आई शेडो आपका फैल गया है, अनइवन हो गया है, तो उसे आप वेट वाइप्स की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं, लाइक आई एम डूइंग। एंड देन मैं गोल्डन आई शेडो था, लाइक गोल्डन हाईलाइटर था, उसे मैं अप्लाई कर ले रही हूँ लोअर लैश लाइन में। एंड देन मैं इनर कॉर्नर्स पर भी उसे अप्लाई कर लूँगी, जस्ट टू हाईलाइट माई इनर कॉर्नर्स। एंड जितना भी हुआ है, जितना भी गिरा है, उसे सब डस्ट ऑफ कर लूँगी एंड कंटूर कर लूँगी अपने फेस को ऐसे वार के पैलेट से। तो ये मल्टी यूज़ पैलेट है, काफ़ी अच्छा है।
इस तरीके से एंड अच्छे तरीके से मैं अपने नोज़ को भी कंट्रोल कर लूँगी, बिकॉज मुझे मेरे नोज़ को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अप्लाई कर रही हूँ तो मैंने मैट लुक में से ही ब्लश लिया हुआ है, जो पीची सा कलर है ना वो, तो काफ़ी सेटल सा कलर है ये, काफ़ी सेटल सा पिंक कलर है। एंड देन मैं हाईलाइटर अप्लाई करूँगी ADS ग्लो किट में से अपनी नोज़ पे भी, एंड ये बहुत शानदार हाईलाइटर है गाइज, अगर आपको लोकल मार्केट में मिले तो ज़रूर बाय कीजिएगा, मुझे लिंक मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड देन मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, ये NYBAKY की क्रीमी मैट लिपस्टिक है, लिंक आपको सारे ही प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो आप देख सकते हैं। एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है गाइज, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है, काफ़ी प्यारा सा शेड भी है। बिंदी अप्लाई कर लूँगी, ज्वेलरीज ले लूँगी, एंड मैंने आईलैशेज़ अप्लाई कर ली, एंड देन मैं उसे हाइड करने के लिए एक बार फिर से लाइनर का कोट करूँगी, पतला सा थिन सा लेयर। एंड ये रहा मेरा फाइनल लुक गाइज, तो आपको मेरा ये लुक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, पसंद आया या नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें, ये तेरी वो हवाएं हैं।